जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी मेरे भाई। तो दोस्तों हमने फिलहाल बुद्धि लगा ली, हम जो है जिंदगी भर मूर्ख ही रहेंगे। तुम खानी है तो मैं तेरे को नहीं घर छोड़ दे रहा हूँ, घर से मोटरसाइकिल उठ रही हो। भाई व्हील हमारा हो गया है सही, और ये टायर है। और आपको लग रहा होगा झूठ ही दिखा, ये देखो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है, टाइम हो रहा है 2:38, तारीख है आज 20। तो दोस्तों मैं अभी जो है उठ तो मैं थोड़ी देर पहले गया था, गाड़ी में मेरा जो है गाड़ी का जो पाना होता है ना नट खोलने वाला, वो पता नहीं किसी ने मेरी गाड़ी से निकाल दिया है। तो वो उसके लिए मैंने करण को फ़ोन किया था, लेके आया था, नट थोड़ा छोटा हो गया है। गाड़ी का जो मैंने टायर खोला है अभी, क्योंकि गाड़ी है पेंचर, टायर पूरा नहीं खोला मैंने, हद तक खोला क्योंकि अभी नट भी खोलना है, उसके टायर बाहर निकालना है, फिर वो टायर को मैं लालपुर भेजूंगा मार्केट, वहाँ से जो है पेंचर लग के आएगा। दिखाता हूँ आपको, अभी तो मैंने नहाया धोया भी नहीं है, अभी उठाई हूँ। पहले एक काम कर लूँ, हाथ वाथ गंदे हो गए, कपड़े गंदे हो गए, पहले एक काम से मैं ओके हो लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। उठा दिया पूरा, ज़्यादा उठाऊंगा तो दिक्कत होगी ना, पहले नट खुल जाए ना। तो दोस्तों ये जैक मैंने इतना लगा लिया था, ये देख घूम रहा है ना, ना 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 इधर को नहीं, इधर को खोलिए, ऊपर को खोलो, ऊपर खोलेगा शायद। रुक जा, मत खोल। तो दोस्तों हम जा रहे हैं पेंचर लगवाने, टायर हमने यहाँ रख लिया है बीच में, जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूटी से जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, कैसा फील हो रहा है हम ही महसूस कर सकते हैं। बाप रे ठंडा लग रहा है यार। तो दोस्तों हम आए थे रुद्रपुर स्कूटी से ही, स्कूटी से आने का मेन कारण ये था कि हमारा जो हमने सोचा था लालपुर पेंचर लगवा लेंगे स्कूटी का, कि हमने सोचा पेंचर होगा लालपुर में पेंचर लगवाएंगे, तो ऐसा है कहीं गड्ढे में लगी होगी गाड़ी, अपने को पता नहीं लगा, हवा कम होगी और वो बड़ी तेज जो है गाड़ी नीचे गड्ढे में लगी और अलॉय व्हील गाड़ी का चटक गया, तो इसलिए लीकेज हो रही थी गाड़ी का, कोई पेंचर वेंचर नहीं था। मेन अफसोस इस बात का हो रहा है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा, चलो पार्ट टू में गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। तो दोस्तों स्कूटी में जौन सा जाड़ा हो रहा है ना, ये मैंने कभी फील नहीं किया था, बहुत खतरनाक। क्योंकि ऐसा है जो डेली स्कूटी वगैरह से या बाइक से राइड करते हैं उनके लिए तो नॉर्मल होगा, उनको पता हो, क्योंकि वो घर से पूरी तैयारी करके आते हैं। मैंने सोचा अभी नहाया धोया है नहीं, मैं ऐसी ट्रैक सूट में आ गया, अंदर से कुछ ही नहीं पहना, कल तो कुछ पहना भी था जब गाड़ी में था, इस टाइम कुछ नहीं पहना। और मैं खेड़ा पहुंच चुका हूं, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है हमारे पास। तो दोस्तों सेकंड पार्ट ये था कि बाबे का आया मेरे पास फ़ोन, तो बोले यार कहाँ है, तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है यार, ऐसा ऐसा हो गया, क्या करूँ यार, ठंड लग गई स्कूटी से आ गई है वो। तो कह रहा अरे यार स्टेपनी नहीं थी क्या, मैंने बोला यार अरे स्टेपनी तो थी भाई, सब इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, ठंड में हम पूरा रुद्रपुर खोला है, अलॉय व्हील वहीं दिया है, अब ये हमारे पास पड़ी हुई है स्टेपनी, अब हमने लगाई, अब हम इससे जाएंगे। मेरा पूरा सर हाथ पैर, क्योंकि कपड़े में नॉर्मल पहन के गया था, अंदर कुछ पहना नहीं था, सर मेरा ऐसा जाम हो गया ना, क्या ही कहना, अब इस टाइम बड़ा बुरा लग रहा है, मैं स्टेपनी चेंज कर रहा हूँ, इसके बाद जो है अब गाड़ी से उठाने जाएंगे उसको। तो दोस्तों हमने फिलहाल बुद्धि लगा ली, हम जो है जिंदगी भर मूर्ख ही रहेंगे। बताओ यार हमारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि क्या कहते हैं गाड़ी में जो है स्टेपनी भी पड़ी है, एक टायर एक्स्ट्रा लगा के उससे चल जाए, एक टायर एक्स्ट्रा, और कसम से कह रहा हूँ वो कभी अपनों ने यूज करा होगा तो एक या दो बार, वो भी लालपुर से घर तक इतना बस, इसके अलावा कभी यूज नहीं करा उसका, एक बार हुआ होगा तो वो भी बड़ी बात है। चलो अब हम जा रहे हैं वापस रुद्रपुर, अपना वो अलॉय व्हील करवाने दिया है, एक घंटा उन्होंने बोला था, अब ये है ठंड में नहीं मरेंगे। मैंने तो कैप भी पहन ली, जूते भी पहन लिए, पहले मैं चप्पल में ही चल लिया था, स्कूटी पे हम चप्पल नहीं चलते ना, अब क्या स्कूटी में करते चप्पल में जाते हैं स्कूटी पे, ऐसा कुछ नहीं यार, जैसे हैं चलते थे, ठंड में खैर जूते पहनने चाहिए, हम इसलिए घर से ऐसे ही निकले थे, हमने सोचा लालपुर ही काम हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे को गाड़ी में ही नींद आ गई थी, मैं तो गया था सो, हम मुझे नहीं पता था सोने के बाद जो है कब मेरे को यहाँ हल्द्वानी आए हम, ठीक है। और आपको लग रहा होगा झूठ ही दिखा, ये देखो ऊपर बोर्ड भी दिखा दूंगा मैं, अभी ये बोर्ड छुपा छुपा सा है,
आगे चुराया पंचायत घर वाला चुराया आ गया, जिसे लोग कहते हैं पंचायत घर से अंदर चले आओ हल्द्वानी जा सकते हैं। तो अब मैं जो है वापस जा रहा हूँ रुद्रपुर, क्योंकि अलॉय व्हील ठीक होने के लिए दिया, अलॉय व्हील ठीक होगा और लालपुर में ही टायर पड़ा है गाड़ी वाले की उसकी दुकान पे, तो वो भी उठाना है। कितना प्यारा लग रहा ना यहाँ से ये रोड। तो दोस्तों रुद्रपुर पहुंच गए हैं, जाम आप देख ही सकते हैं, जाम की स्थिति दो दो लाइनें चल रही हैं, पूरा बहुत लंबा जाम है। दोस्तों हम रुद्रपुर से वो आपको जल्दीबाजी में दिखा नहीं पाए थे, अलॉय व्हील हमारा हो गया है सही और ये टायर है और ये फिट हो रहा है, भैया को लेके आए थे भैया के घर से। तो दोस्तों अपन ने जो है अलॉय व्हील और टायर जो है लगवा लिया है, उसके बाद अपने जो है और लगा कैसे मैं बताता हूँ, अलॉय व्हील और से जहाँ हमने टायर से अलग करवाया वो हमने किसी और शॉप में करवाया, फिर हमने अलॉय व्हील उठाके रुद्रपुर दिया ठीक होने के लिए, वो वहाँ ठीक होके आया, वो लेके आए और जब टायर लगवाने पहुंचा था टायर वाले भैया जो है जा चुके थे, लेकिन वो अपने बहुत प्रेमी थे, प्रेमी बोले तो मतलब अपने बहुत प्यार रखने वाले, तो अपने गाड़ी उठाई अपने जो है उनके गाँव आ गए, गाँव जो है उनकी दुकान से करीब 4.5-5 किलोमीटर है, तो मैं उनके डायरेक्ट गांव आ गया, गांव से मैंने उन्हें उठाया, उठा के मैं उनकी दुकान पे ले गया, फिर मैंने काम कराया दुकान खुलवा के, फिर मैंने उनको उठा के अभी मैं दोबारा उनको उनके घर छोड़ दिया। हमारे घर से आगे 2-3 गांव आगे गांव पड़ता है, पहले पड़ता है मेराया, फिर उसके बाद बरोड़ा, फिर मलपुरा और पहले पड़ता है टिब्बा, फिर मेराया, फिर बिडोरा, चल सारे ये टिब्बा कहके बदनाम कर रहे हैं यार। हाँ हाँ आशु भैया के लिए क्या कह रहे थे कि मतलब हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और इन्हें गर्मी लग रही है। ओए ओए सही बात है, नहीं पहनावा देख लो ना, ये तो बात है पहनावा देख लो, उसके बाद में कोई बात नहीं। हाँ पहनावा देख लो, भतीजा हमारा है कोई बात नहीं है। क्या नाम है इनका? मौज लो रोज लो, ये अपने भैया है चंद्रपाल भैया, अपने गाँव में रहते हैं, बड़े भाई हमारे, तो हाँ छोटे लगते हैं। देखो ठंड मुझे इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, मौज लेता हूँ रच के, मौज लेता हूँ रच के लेनी चाहिए। वाह वाह वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। मैंने देखा लोगों को मैंने देखा 2 लाख रुपए कर्जा हो गया, बंदा फांसी पे लटक जा रहा, सुसाइड कर ले रहा, 3 लाख कर्जा, 5 लाख 10 लाख, मुझे कोई दिला तो 2-4 करोड़, मैं मरूंगा नहीं रे, मैं मरूं। भैया आपका क्या कहना है इस बारे में, भैया के बारे में बताओ। टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों भैया मुझे छोड़ने जा रहे हैं घर और बाकी तो आगे भैया ही बताएंगे, भैया बताओ भैया क्या बताएंगे, भैया भैया आ रहे हैं आइसक्रीम, ठीक है आइसक्रीम खानी है, तो मैं तेरे को नहीं घर छोड़ दे रहा हूँ, घर से मोटरसाइकिल उठ रही हूँ। दोस्तों आप देख ही सकते हो कि भैया के और मेरे बीच में कितना प्यार है, प्यार तो बहुत है इसलिए लेकिन नहीं दीवार। तो दोस्तों आप शायद भूल गए होंगे, आपने शायद देखा या नहीं देखा हमारे किशन का जो है जो वीडियो बना रहा है हमारा कैमरामैन, इसका गाना आया है, आप लोगों ने देखा है तो बताइए, सुना है और नहीं देखा तो बताइए कि कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें कि तुम्हारे भाई ने कैसा गाना गाया कैसा नहीं, ये सिंगर बन सकते हैं या नहीं, इस पे हम पैसा लगाने की सोच रहे थे, बाकी अब हम बाकी तो आगे आंसू यही बताएंगे, हम तो चंदा इकट्ठा करने वाले गाना ने, मैं तो चंदा इकट्ठा करने वाला था, बाकी आप लोग फाइनल करेंगे एक कैश निकाले इसका नहीं निकाले, एक कैश निकाल दे इसका। तो दोस्तों मैं किशन को छोड़ के जो है लालपुर आ चुका हूँ, मैं पहुँच गया हूँ देवरिया टोल पे
और कुछ ही मिनट में मैं भी अपने घर। तो दोस्तों व्लॉग का एंड मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि 9:44 हो चुके हैं और आज का व्लॉग मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। करण भाई को मैं जो है छोड़ दूंगा, लालपुर छोड़ के घर चले आऊँगा। तो दोस्तों बस यही कहने आया था, आज का व्लॉग मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। और हाँ, मैं इससे पहले वाला व्लॉग में भी व्लॉग का एंड करना भूल गया, घर जाके मेरे को नींद आ रही थी, अल्मोड़ा से आया था सीधा तो वो भी एंड करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो गुड नाइट दोस्तों, शिवरात्रि शब बख़ैर, जय हिंद जय भारत।